नॉलेज इंस्पिरेशन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ओके गाइस, तो हम पहले बात करेंगे कंप्लीमेंट पे। गाइस, कंप्लीमेंट में आई आ रहा है तो आई और प्रेस के अंदर आई है, इन दोनों को आप याद रख लें। तो इसका मतलब है कि किसी की तारीफ करना। गाइस, ये एज अ नाउन भी यूज हो सकता है और एज अ वर्ब भी। चलें आप इसके सेंटेंस देखते हैं। शी पेड हिम ए हाई कंप्लीमेंट, यानी उस लड़की ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की। और दूसरा सेंटेंस आ रहा है, टू बी ट्रस्टेड इज ग्रेटर कंप्लीमेंट देन टू बी लव्ड। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट की। गाइस, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है। कंप्लीमेंट का मतलब है कंप्लीट होना, ठीक है जी, मैच करना, कंप्लीट होना। देखें इसमें ई आ रहा है कंप्लीमेंट, तो ई से कंप्लीट को याद रखिए, कंप्लीट के अंदर भी ई आ रहा है। गाइस, इसका मतलब है कि टू मेक समथिंग परफेक्ट और कंप्लीट, या फिर एज अ नाउन इसको यूज करेंगे कि किसी ऐसी चीज जो किसी दूसरे चीज को कंप्लीट करें या पूरा। गाइस, यहाँ पे आपको कपल भी नजर आ रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, यानी परफेक्ट बना रहे हैं जी। और इसके कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो सेंटेंस ये कि हर ड्रेस परफेक्टली कंप्लीमेंट्स द शेड ऑफ हर आईज, ठीक है जी, उसकी आईज और ड्रेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। या फिर दे मेक ए ग्रेट कपल, देयर पर्सनैलिटीज आर परफेक्ट कंप्लीमेंट टू वन अनदर, ठीक है जी, वो दोनों कपल एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो गाइस, एक और तस्वीर आपको दिखाऊं ताकि वो अगर आपके जहन में कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जी ये शेफ एक दूसरे की क्या कर कंप्लीमेंट कर रहे हैं जी, कि जबकि दूसरी तरफ एक शख्स दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। तो गाइस, काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।